हेलो फ्रेंड्स, इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम देख लेते हैं PYQ ऑफ चैप्टर नंबर 10, दैट इज गवर्नेंस एंड कंप्लायंस रिस्क। चैप्टर का नाम कैसा है? गवर्नेंस एंड कंप्लायंस रिस्क। नाम तो ऐसा होना चाहिए ना, गवर्नेंस एंड नॉन कंप्लायंस रिस्क। कंप्लायंस करने के बाद रिस्क कौन सा? नॉन कंप्लायंस किया तो रिस्क रहता है ना। चैप्टर का नाम क्या मुझे नहीं, ठीक है। एनीवेज, तो चैप्टर नंबर 10 जून में क्या कितने मार्क्स का पूछा है बच्चों? देखो अभी तक 2017 से मतलब 2019 से बच्चों चार बारी इसका क्वेश्चन पूछा है, राइट। चार बारी क्वेश्चन पूछा है और वेटेज भी कम है, 3.5 मार्क्स का वेटेज, राइट। और ऑप्शनल में आता है तो मैं बोलूँगा नहीं आपको छोड़ना है नहीं छोड़ना है, आप समझ जाओ, राइट। तो जून 2019 में कितने मार्क्स का पूछा है? 3 मार्क्स का। फिर उसके बाद में फिर से दिसंबर में कितने मार्क्स का पूछा है बच्चों? एक क्वेश्चन पूछा है फॉर 5 मार्क्स, राइट। देखो 3.5। फिर से जून में एग्जाम नहीं हुआ था, दिसंबर 20 में कितने मार्क्स का पूछा बच्चों? एक क्वेश्चन पूछा था 3 मार्क्स का, राइट। जून 2021 में एक क्वेश्चन फिर से पूछा था 3 मार्क्स का, राइट। तो आप देख रहे हो एक ही क्वेश्चन पूछा है, राइट। और वो भी ऑप्शनल में आपको आएगा ना, रहते हैं ना क्वेश्चन नंबर 1 में, राइट। तो ऑप्शन में क्वेश्चन आ सकता है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन एवरेज है इसका, राइट। मिनिमम 3 मार्क्स का पूछा तो 3 मार्क्स का पूछा जाएगा, राइट। 2 साल पूछा नहीं है, दिसंबर में पूछ सकते हैं, दिसंबर में और 3 मार्क्स, राइट। दिसंबर देखे मार्क्स भी, तो हम देख लेते बच्चों, हम एक्चुअली एक ठीक है, एनीवेज कुछ नहीं। तो क्वेश्चन देख लेते किस टाइप के आते हैं। क्वेश्चन पढ़ लो सिर्फ, अ सक्सेसफुल कंप्लायंस रिस्क मैनेजमेंट प्रोग्राम विच इज एसेंशियल फॉर अ साउंड एंड अ वाइब्रेंट ऑपरेशनल सिस्टम कंटेंट सर्टन एलिमेंट्स। एक सक्सेसफुल कंप्लायंस रिस्क मैनेजमेंट प्रोग्राम के लिए बच्चों क्या लगता है? साउंड एंड अ वाइब्रेंट ऑपरेशनल सिस्टम, राइट, सर्टन एलिमेंट्स लगते हैं। तो वो कौन से एलिमेंट्स है फॉर कंप्लायंस रिस्क मैनेजमेंट प्रोग्राम? फॉर कंप्लायंस रिस्क मैनेजमेंट, राइट। इफ कंप्लायंस, इफ यू आर नॉट डूइंग कंप्लायंस, इट इज ऑल्सो कंप्लायंस इज, राइट। देर इज अ रिस्क विथ ईच एंड एवरीथिंग, राइट। कंप्लायंस आता है हमारे साथ, उसके साथ में रिस्क भी आता है। केस कौन सा वाला? यू डोंट कम्प्लाई, पेनल्टीज हो सकती है, फाइंस हो सकती है, ROC में आपका नाम निकल सकता है और भी बहुत सारे डिसएडवांटेजेस, राइट, इफ यू डोंट कम्प्लाई। तो क्वेश्चन समझ में आए? तो विच आर द सर्टन एलिमेंट्स विच आर गुड फॉर कंप्लायंस रिस्क मैनेजमेंट प्रोग्राम, राइट। तो द कंप्लायंस फ्रेमवर्क नीड्स टू बी कॉम्प्रिहेंसिव, डायनामिक एंड कस्टमाइजेबल, राइट, फॉलोइंग द ऑर्गेनाइजेशन टू आइडेंटिफाई एंड असेस द कैटेगरीज ऑफ कंप्लायंस रिस्क टू विच इट मे बी एक्सपोज। A successful compliance risk management program is an essential component for a sound and vibrant operational system. Contains the following elements, right? Answer आपका कुछ इस तरीके से यहाँ से स्टार्ट होता है। कौन से एलिमेंट होना चाहिए? देखो, फर्स्ट इज एक्टिव बोर्ड एंड सीनियर मैनेजमेंट ओवरसेट। यस, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शुड बी एक्टिव, दे शुड नॉट पैसिव, एंड सीनियर मैनेजमेंट का जो भी होता है देर शुड बी ओवरसेट, राइट। तो पॉइंट्स में आपको लिखना है। सेकेंड इज इफेक्टिव पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स। यस, आपके जो भी कंपनीज के ऑर्गेनाइजेशन के जो भी पॉलिसीज है दैट शुड बी इफेक्टिव, दैट शुड बी एफिशियंट, राइट। देन कंप्लायंस रिस्क एनालाइज एंड कंट्रोल्स एंड कॉम्प्रिहेंसिव कंट्रोल, राइट, दैट इज कंट्रोल मैनेजमेंट, राइट। उसके बाद में है बच्चों इफेक्टिव कंप्लायंस मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग। क्या बोला है? इफेक्टिव कंप्लायंस मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग, राइट। जो भी आप कंप्लाई कर रहे हो उसका मॉनिटर होना चाहिए, and at the same time there should be reporting to the regulatory bodies, right. Then testing kis cheez ke liye hota hai? Independent testing should be conducted to verify that a compliance risk mitigation activities are in place and functioning as intended throughout the organization. Yes, hum testing karte hai na, jo bhi hamara compliance risk mitigation ke jo bhi activities hai to test karna hai, chal raha hai ya nahi chal raha hai, theek hai. Ab aate hain next, samajh mein aaya? ठीक है बच्चों, ये कितने मार्क्स का पूछा था? 3 मार्क्स का, राइट। इट वॉज आस्क फॉर 3 मार्क्स। तो इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा पूछा जाता है, राइट, जून 2019 के बाद में है दिसंबर 2019 में क्वेश्चन क्या है? देखो, कंप्लायंस मैनेजमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी बिजनेस, हाईलाइट द रिस्क ऑफ नॉन कंप्लायंस। देखो बच्चों, आपने अगर मॉड्यूल में अगर पढ़ा भी नहीं रहेगा तो आपके कॉमन सेंस के हिसाब से आप लिख सकते हो ना, अगर आपने नॉन कंप्लायंस नहीं किया तो क्या रिस्क है, वॉट आर द रिस्क। देखो, कॉस्टली कॉन्सिक्वेंसेस, राइट। और उन्होंने यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, किसका एग्जाम्पल दिया है? सहारा केस का। सहारा का आपको मालूम है, सुब्रतो रॉय का केस। उस केस में बच्चों सेबी ने उनको ये दिया था, ऑर्डर किया था रिफंड करने के लिए। कितना रिफंड करने बोला था?
200 बिलियन रुपीज़। हमने सहारा का केस देखा है बच्चों, हमारे लेक्चर्स में वी हैव सीन सहारा केस। आप आपके हिसाब से किसी और का केस लिख सकते हो, राइट? सहारा नहीं हुआ तो आप विजय माल्या का केस लिख सकते हो या फिर और किसी और का केस लिख सकते हो, राइट? राइट, देखो, इन 2011 सेबी ऑर्डर्ड सहारा टू रिफंड दिस अमाउंट विद द इंटरेस्ट टू द इन्वेस्टर्स, राइट? लेटर इन 2014 मिस्टर सुब्रतो रॉय द चेयरमैन ऑफ सहारा वॉज अरेस्टेड। तो बच्चों ये क्या है, फाइन? वॉट इज दिस? दिस इज पेनल्टी, दिस इज फाइन्स, राइट? अरेस्ट भी किया, तो दिस आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ, राइट? दोनों ने क्या किया था बच्चों, नॉन कम्प्लाई किया था सेबी के जो भी लॉज है, राइट? सेबी लॉज, दे डिडंट कम्प्लाइट, राइट? दस द नॉन कम्प्लायंस विद लॉज ऑफ द लैंड कैन हैव अ मल्टी फेसेड कॉन्सिक्वेंसेज। कॉन्सिक्वेंसेज क्या क्या है? फर्स्ट देखो, फर्स्ट पेनल्टीज एंड फाइन्स। यस, आपको मालूम है फाइन्स लगती है आर ओ सी में, आपका फॉर्म अगर ड्यू डेट के बाहर जाता है तो एडिशनल फीस लगती है, और ड्यू डेट के बाद भी अगर आपने फाइल नहीं किया तो फाइन्स एंड पेनल्टीज। फिर दैट इज़ अ नेक्स्ट स्टेप। देन क्रिमिनल चार्जेस, यस बच्चों, यहाँ पर सारा के केस में इस पर भी क्रिमिनल चार्जेस लगाए ना, बंदे को अरेस्ट कर दिया तो दैट इज़ अ क्रिमिनल चार्जेस, चीटिंग का, फ्रॉजरी का। देन रेपुटेशनल डैमेज, यस बच्चों, रेपुटेशन तो अभी खराब ही हो गया ना, राइट? देन एक्सेस टू मार्केट एंड प्रोडक्ट डिलेस, यस बच्चों, अगर कभी भी अगर बैंक को आपको लोन देना है तो आप क्या, वो क्या चेक करेंगे आपका कंप्लायंस? दे यूजुअली आस्क योर एनुअल रिपोर्ट, एनुअल फाइलिंग एंड ऑल। तो आपका अगर नॉन कम्प्लायंस है तो यू विल सी फंडिंग में इशू आ सकता है, राइट? देन यस, तो रोड ब्लॉक इन फंडिंग, राइट? जो अभी डिस्कस किया मैंने, रोड ब्लॉक इन फंडिंग, राइट? तो इन दिस वे यू हैव टू राइट योर आंसर, राइट? तो क्वेश्चन देख लिया आपने, राइट? कंप्लायंस मैनेजमेंट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी बिजनेस, हाईलाइट द रिस्क ऑफ नॉन कंप्लायंस, राइट? क्वेश्चन ऐसा होगा और इस हिसाब से आपको आंसर लिखना है, राइट? यू हैव टू राइट आंसर लाइक दिस। नेक्स्ट इज जून 2020 में क्वेश्चन नहीं पूछा था क्योंकि एग्जाम नहीं हुआ था वो एग्जाम, राइट? दिसंबर में क्वेश्चन देख लेते। फैक्टर्स टू बी केप्ट इन माइंड फॉर प्लानिंग टू मिटिगेट कंप्लायंस रिस्क, कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछा था ऊपर का? देखो बच्चों, 5 मार्क्स का, इजी क्वेश्चन था, और बच्चे बोलते गवर्नेंस में फेल होते। क्यों गवर्नेंस फेल होना, इतने इजी इजी क्वेश्चन तो पूछे जाते, राइट? आप बहुत लाइटली लेते हो इस सब्जेक्ट को, इससे स्टूडेंट्स फेल होते हैं, राइट? लाइटली लेते हो, लाइटली लेना नहीं है, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और इजी सब्जेक्ट है, राइट? जैसे आप बाकी के सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस देते हैं वैसे इसको भी इंपॉर्टेंस उतना ही दे दो ना। 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है सॉरी, राइट? तो हाँ, फैक्टर्स टू बी केप्ट इन माइंड फॉर प्लानिंग टू मिटिगेट कंप्लायंस रिस्क, राइट? आपको जो कंप्लायंस रिस्क है, मतलब नॉन कंप्लायंस आपने किया तो उसका रिस्क होगा, तो उसको आप, वॉट आर द फैक्टर्स दैट यू शुड कीप इन माइंड टू रिड्यूस दैट रिस्क, राइट? क्वेश्चन ये बोला गया, कितने मार्क्स का पूछा गया? 3 मार्क्स। टू पुट इन प्लेस अ सिस्टम और अ प्लान फॉर मिटिगेशन ऑफ कंप्लायंस रिस्क एंड ऑर्गेनाइजेशन नीड्स टू कीप इन माइंड द फॉलोइंग फैक्टर्स, फैक्टर्स उनको ध्यान में रखना चाहिए बच्चों। वॉट काइंड ऑफ कंप्लायंस फेलियर्स वुल क्रिएट अ सिग्निफिकेंट ब्रांड रिस्क और अ रेपुटेशनल डैमेज, फर्स्ट पॉइंट क्या है? वॉट काइंड्स ऑफ कंप्लायंस फेलियर, राइट? ऐसे कौन से फेलियर से कंपनीज में, ऐसे कौन से फेलियर से उसके कारण आपके ब्रांड रिस्क में इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर योर ब्रांड रिस्क एंड ऑल्सो फॉर रेप्यूटेशनल डैमेज, राइट? ऐसे कौन से रिस्क है जिससे देर इज अ हाई चांसेस ऑफ ब्रांड रिस्क एंड रेप्यूटेशनल डैमेज। सेकेंड इज वॉट इज लाइकली इम्पेक्टेड ऑफ दैट डैमेज ऑन ऑर्गेनाइजेशनल मार्केट वैल्यू, राइट? ऐसे कौन से रिस्क है जो आपके मार्केट वैल्यू, दैट इज शेयर्स आपके होते कंपनीज के मार्केट वैल्यू होती है, उस पर इफेक्ट हो सकता है, तो ऐसे रिस्क आपको फाइंड आउट करना है, राइट? ब्रांड रिस्क, रेपुटेशनल डैमेज, राइट बच्चों? देन अभी सहारा तो इतना बड़ा कंपनी था तो रेपुटेशन गया, उनका ब्रांड भी चले गए, राइट? व्हाट काइंड्स ऑफ कंप्लायंस मिसस्टेप्स कुड बी कॉज बाय द ऑर्गेनाइजेशन टू लूज द एबिलिटी टू सेल और डिलीवर द प्रोडक्ट्स, यस? तो एबिलिटी टू सेल और प्रोडक्ट्स के बारे में भी आपको क्या करना है बच्चों, ध्यान रखना है, राइट? तो ये चीज में ऐसे कौन से कंप्लायंस है दैट विल इफेक्ट द सेलिंग एंड डिलीवरी ऑफ द प्रोडक्ट, दैट रिस्क ऑल्सो बी आउट, राइट? देन वॉट आर द टोटल कंप्लायंस कॉस्ट, राइट? हाउ वेल पोजिशन इज अ कंप्लायंस फंक्शन, राइट? हाउ वेल इज अ पोजिशन इज अ कंप्लायंस फंक्शन, आपके जो भी कंप्लायंस फंक्शन इस, मतलब वेदर दे आर प्रॉपरली रनिंग, राइट?
तो देखो बच्चों, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो कुछ इस तरीके से आपको आंसर लिखना है। ठीक, पॉइंट्स में आंसर दिख रहे हैं आपको, यू हैव टू राइट इन पॉइंट्स। व्हाट आर द पर्सनल एंड प्रोफेशनल एक्सपोजर ऑफ द एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट एंड द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विथ रिस्पेक्ट टू द कंप्लाइंस। राइट, दिस इज द नेक्स्ट पॉइंट। राइट, इस तरीके से आपको आंसर लिखना है। राइट, क्वेश्चन देख लिया आपने, फैक्टर्स टू बी कैप्ट इन माइंड फॉर प्लानिंग टू मिटिगेट कंप्लाइंस रिस्क, दैट इज टू रिड्यूस द कंप्लाइंस रिस्क। ठीक है, 3 मार्क्स को के बाद में आ जाइए बाद में। ठीक है, हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहे हो बच्चों? जून 2022 में पूछे है ना ये। ठीक लास्ट क्वेश्चन साल में पूछा था, हाँ जून 2021 में। राइट, तो क्वेश्चन क्या था बच्चों? गवर्नेंस रिस्क एंड कंप्लायंस। क्या आप क्वेश्चन क्या है देख लो, गवर्नेंस रिस्क एंड कंप्लायंस। गवर्नेंस रिस्क एंड कंप्लायंस दैट इज जीआरसी इज द इंटीग्रेटेड कलेक्शन ऑफ कैपेबिलिटीज दैट एनेबल द ऑर्गेनाइजेशन टू रिलायबली अचीव ऑब्जेक्टिव, एड्रेस अनसर्टेंटी एंड एक्ट विथ इंटीग्रिटी। यस बच्चों, ये जो सेंटेंस आप पढ़ रहे हो, राइट, ये रिपीटेशन हुआ है, तो इग्नोर करो, इग्नोर कर दो रिपीटेशन। ये सब्जेक्ट है, क्या है, और उसको आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। गवर्नेंस रिस्क एंड कंप्लायंस इज एन इंटीग्रेटेड कलेक्शन ऑफ द कैपेबिलिटीज दैट एनेबल द ऑर्गेनाइजेशन टू रिलायबली अचीव ऑब्जेक्टिव, एड्रेस अनसर्टेंटी एंड एक्ट विथ इंटीग्रिटी। यस बच्चों, ये जो जीआरसी दैट इज गवर्नेंस रिस्क एंड कंप्लायंस, इससे आप क्या कर सकते हो बच्चों? आपका ये स्ट्रांग है, जीआरसी आपके ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्रांग है, तो इससे आप क्या कर सकते हो, यू कैन अचीव योर ऑब्जेक्टिव, यू कैन एड्रेस द अनसर्टेंटी या फिर एनी अनफॉर्चुन सर्कमस्टेंसेस दैट मे कम इन द ऑर्गेनाइजेशन। राइट, एंड यू यू कैन एक्ट विद द इंटीग्रिटी। राइट, अगर आपका ये स्ट्रांग होगा, राइट, यू कैन एक्ट विथ इंटीग्रिटी। राइट, तो उन्होंने बोला है, तो ये उन्होंने सेंटेंस दिया है, तो आपको एक्सप्लेन करना है वेदर दिस इज ट्रू। ऐसा देखो, गवर्नेंस कंप्लायंस एंड रिस्क इज एन इंटीग्रेटेड कलेक्शन ऑफ कैपेबिलिटीज दैट एनेबल द ऑर्गेनाइजेशन टू रिलायबली अचीव ऑब्जेक्टिव, एड्रेस एंड अनसर्टेंटी एंड एक्ट विथ इंटीग्रिटी। राइट, ठीक है, जीआरसी रिफर्स टू द स्ट्रेटेजी ऑफ मैनेजिंग एन ऑर्गेनाइजेशन। देखो, जीआरसी क्या है, जीआरसी रिफर्स टू द स्ट्रेटेजी फॉर मैनेजिंग द ऑर्गेनाइजेशन ओवरऑल गवर्नेंस, राइट, ओवरऑल गवर्नेंस, एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट एंड कंप्लायंस विद द रेगुलेशन। राइट, कंप्लायंस विद द रेगुलेशन। जीआरसी इज अ सेट ऑफ प्रोसेस एंड प्रैक्टिसेस दैट रन्स अक्रॉस डिपार्टमेंट एंड फंक्शंस। यस, जीआरसी माइट बी, देखो आप शॉर्ट में ऐसा लिख सकते हो, आपको सिर्फ एग्जाम में आप क्या करना है, एक तो पहले फुल फॉर्म लिखना है आपको, ऐसा फुल फॉर्म आपने लिख दिया, ब्रैकेट में जीआरसी लिखना है, और आगे आप शॉर्ट में लिख सकते हो आंसर। राइट, क्योंकि एग्जामिनर को मालूम होना चाहिए कि जीआरसी क्या है, आपने आंसर में आपने जीआरसी लिख दिया और ब्रैकेट आप जीआरसी बाद में यूज कर सकते हो। जीआरसी माइट बी एनेबल्ड बाय द डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म एंड अदर टूल्स ऑल्दो दिस इज नॉट अ मैंडेटरी। ठीक है, वाइल द ऑर्गेनाइजेशन जनरली डोंट नीड टू मेंटेन अ सेपरेट जीआरसी डिपार्टमेंट। राइट, जैसे कंप्लायंस डिपार्टमेंट होता है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट होता है, सेपरेट जीआरसी डिपार्टमेंट की जरूरत नहीं है, मगर मोस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैव अ टीम इन प्लेस टू मैनेज द जी आर सी प्लेटफॉर्म एंड टूल्स। द स्कोप ऑफ जी आर सी डजेंट एंड विद जस्ट गवर्नेंस रिस्क एंड कंप्लायंस मैनेजमेंट बट ऑल्सो इंक्लूड्स एश्योरेंस, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट, क्वालिटी मैनेजमेंट। देख रहे हो बच्चे, जी आर सी में और क्या क्या आता है, इथिक्स, वैल्यूज, मैनेजमेंट, बिजनेस कंटिन्यूटी एंड मैनेजमेंट। राइट, देन इफेक्टिव जी आर सी इंप्लीमेंटेशन हेल्प्स द ऑर्गेनाइजेशन टू रिड्यूस द रिस्क एंड इम्प्रूव द कंट्रोल इफेक्टिवनेस, सिक्योरिटी, कंप्लायंस थ्रू एन इंटीग्रेटेड एंड यूनिफाइड अप्रोच दैट रिड्यूसेज द इल इफेक्ट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल सिलोस एंड रिडंडेंसी। रिडंडेंसी, राइट, तो देखो, तो इस तरीके से आपको आंसर लिखना है। राइट, इस तरीके से आपको आंसर लिखना है। राइट, तो कितने मार्क्स का पूछा था, 3 मार्क्स का क्वेश्चन। समझ में आपको, तो आप देख लो प्रोफेशनल लेवल में किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है प्रोफेशनल। राइट, तो इन दिस वे वी हैव सीन द, सिर्फ 4 ही क्वेश्चन पूछे गए अभी तक, और ये रहा उसका वेटेज।
ये रहा उसका वेटेज। ओके चलो वी विल स्टॉप हियर।